हाय, वेलकम बैक टू गाइज अनदर ब्लॉग, रघु ठाकुर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई, आज लखनऊ में बारिश काफ़ी झमाझम बारिश हुई है, एकदम गर्दा मचा दी है बारिश ने। और मौसम कल बारिश हुई थी, लेकिन तो थोड़ा बारिश होने की वजह से मतलब गर्मी बढ़ गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बारिश हुई थी। लेकिन आज का जो है मौसम बहुत ज़बरदस्त है, और आप देख सकते हैं इसमें सारा मौसम बिल्कुल एकदम खुला हुआ है। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। और आज हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे, और अभी दिखाते हैं कुछ इस समय बाहर का व्यू दिखा दें आपको। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको, मिलते हैं अभी आपसे आगे। तो गाइस देखिए, ये मेरे घर के पीछे का है, ये एक कॉलेज है, इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज, उसी की ये मतलब गार्डन टाइप का बगीचा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। और आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है, मौसम देखिए एकदम बादल है, तो काफ़ी बेहतरीन मौसम हो गया है, एकदम ज़बरदस्त। और आप देख लीजिए यहाँ पर कितने पेड़ हैं, देखिए नीम का पेड़ है और भी तरह तरह के पेड़ हैं, लगभग आपको इसमें सारे नीम के सबसे ज़्यादा पेड़ दिख रहे हैं। वहाँ तक आप देख लीजिए, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो नीम के पेड़ ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। और चारों तरफ से नीम के अलावा भी हैं, कुछ कदम वदम के पेड़ हैं। ये देखिए, ये सामने मेरे कदम का पेड़ लगा है, और इस वजह से बंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं भैया। बंदर इसलिए आते हैं क्योंकि पेड़ ज़्यादा है, वैसे भी शहरों में पेड़ कम है, इसलिए कुछ पेड़ हैं, लेकिन गोमती नगर में तो भाई हर खंड में आप जाएंगे, लगभग हर जगह आपको पेड़ मिलेंगे। तो इस वजह से पेड़ भी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ मतलब नज़दीक में है, बगल में रेलवे स्टेशन भी है, तो छाँव भी रहता है। धूप की वजह से गर्मी का मौसम आई है, और अब तो बरसात शुरू हो गई है धीरे धीरे, आज दूसरी बारिश थी लखनऊ की। तो कैसा लग रहा है आपको मौसम? एकदम देखिए जबरदस्त। आज हम बात करते हैं, ये अग्निपथ योजना जो है अभी मैं बहुत ज़्यादा इस समय हाईलाइटेड है। तो अग्निपथ योजना क्या है, इससे पहले मैं आपको रेलवे के नए नियम जो निकले हैं उसको बता दूं। तो रेलवे का 1 जुलाई से जो अभी आपको बेटिंग मिलता था, बेटिंग का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा 1 जुलाई से, और आपको तत्काल एकदम कन्फर्म टिकट दिया जाएगा। पहली बात तो जो आपको बेटिंग करना पड़ता था, ये सारे सिस्टम ख़त्म कर रही है रेलवे, और आपको तत्काल टिकट मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। और अगर कैंसिल भी होता है तो तत्काल ही 50% मतलब फीसदी के साथ आपको रकम वापस किया जाएगा, और आप जाकर के टिकट भी बुक करा सकते हैं। जिसका टाइमिंग हो गई 10 से 11 आप एसी का टिकट ले सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं, और 11 से 12 स्लीपर कोच का। तो काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं, और धीरे धीरे भी सुविधाएं की जा रही है रेलवे द्वारा। तो अब आते हैं अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना कोई ख़राब योजना नहीं है, ये तीनों सशस्त्र सीमा बलों की नीचे जो सैनिक भर्ती किए जाते हैं उसके तहत है, और इसकी केंद्र मतलब सरकार ने एक अच्छी प्रणाली रखी है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको अभी 16 जून 2022 से ही किया है, बोला है इसके बारे में। तो इसमें कोई ख़राब नहीं है, कम से कम हमारे जो युवा साथी हैं, भाई हैं, जो अभी इस एज में पढ़ाई करते थे या कुछ करते थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है। और 17.5 साल से 23 साल इसकी उम्र है, स्टार्टिंग वेतन इसमें 30,000 रुपये है, सेकेंड में 40 कर दिया गया है, रिटायर होने पर 10-12 लाख अलग से मिलेगा। और बहुत लोग इस कन्फ्यूजन में हो गए, तमाम दंगा हुए, तमाम जगह बहुत कुछ हुआ, तो वो एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि 4 साल आप देश के पर जा कर के कोई चीज़ करेंगे, वो भी आपको जम्मू कश्मीर, इंडिया, मतलब आपको उत्तरी और इसी बीच में ही रहना है, तो कोई गलत चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे एक आपको नॉलेज भी गेन होगी, दूसरी चीज़ ये है आप उस रैंक से, उस स्तर से होकर के जब आप आएँगे बॉर्डर पर या जहाँ पर आप पोस्टेड होंगे, उसके बाद आप आएंगे तो ये नहीं है कि आपको बैठने दिया जाएगा। उसके बाद भी तो सरकार ने बोल दिया है कि उसमें से हम कुछ लोगों को रखेंगे, कुछ लोगों को और भी रखेंगे। तमाम कंपनियां आ गई हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हम उनको पोस्टेड करेंगे, हम अपने यहाँ पे करेंगे। और इसमें अच्छा क्राइटेरिया, 50% हाई स्कूल में पास होना चाहिए अंकों के साथ, और बाकी अलग अलग क्राइटेरिया, हाई कट जो भी कुछ है वो अलग है। तो हमारे हिसाब से ये गलत नहीं है अग्निपथ योजना, और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जो लड़के यहाँ दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको एक अच्छा मौका मिलता है कि एक बार वो सीमा में, और मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी में जाएं, और इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट 4 साल का जो एक सीम है, वो एक सीम है, बाकी उसके बाद भी उनको रखा जाएगा पोस्टेड। इसके तहत बहुत से दंगा हुए, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई देश में,
बहुत जगह तमाम ट्रेन टूट दी गई, ये हुआ वो हुआ, तो भाई ये सब चीज़ें बहुत गलत चीज़ें हैं। जो ट्रेन जला रहा है वो देश को कैसे बचाएगा? अगर 4 साल के लिए यहाँ तो खुश नसीब होना चाहिए आप लोगों को कि कम से कम 1 साल या 2 दिन के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए मतलब मौका मिल रहा है। आप ये चीज़ और सोच लीजिए कि यहाँ पर देखे होंगे बहुत से वीडियो में, बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने कि हॉस्पिटल में किसी की एक दिन की डेथ मतलब होने वाली होती है तो उसकी अंतिम इच्छा जाहिर की जाती है। तो देखेंगे कई बार बोलती है लड़की या लड़के हैं कि हमको IPS बनना है, तो उसको खुद IPS बनाया जाता है, एक दिन के लिए थाना भी दिया जाता है, सब कुछ करा जाता है। तो जहां आपको साला 4 साल के लिए आपको देश में सेवा करने को मिल रहा है तो कोई गलत चीज़ नहीं है, और 4 साल के बाद आप आएंगे तो ये नहीं कि आपको रिटायरमेंट कर दिया गया, आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, 4 साल बाद ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरकार का जो क्राइटेरिया है, जितने रिटायर हो रहे हैं उतनी वैकेंसी भी भरी जा रही है, तो उस हिसाब से कुछ नई योजना है सरकार की ये चीज़ है। अगर वो आपको रख रही है, हटा रही है, तो आगे का भी तो क्राइटेरिया रखेगी कुछ, ऐसा नहीं कि आप 4 साल के बाद आए आप बेकार हो गए, गांव में घूमे, यहाँ जाए वहाँ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अग्निपथ योजना के हमारे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, और बस यही कहना था हमको। अग्निपथ योजना इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अग्निपथ योजना सबसे अच्छी योजना है और इसमें सबसे ज़्यादा युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आपको ये चीज़ मैं बता दूँ, मेरे ब्लॉग जो अपडेट होती हैं डेली अपलोड की टाइमिंग जो है, इसमें मैं 2 टाइमिंग करता हूँ, कभी कभी ये शाम को होती है 8 बजे तक, और नहीं तो किसी किसी टाइम सुबह सुबह 7 बजे होती है। तो 2 टाइमिंग में सुबह 7 रात 8 इसमें होती है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।